90 साल गुजर गए फिर भी हॉस्पिटल में सर्विस चल रहा। तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद ये इसको गिराने को सोचे। हम बोले गिराना नहीं, बाजू खाली प्लेस है उसमें कंस्ट्रक्शन करो और इसको अच्छा रिपेयर करो। ये पुराना जो कंस्ट्रक्शन है इसको ऐसे ही रहिए, ये हिस्ट्री में रहेगा। यही हम अपन कई मरतबा गवर्नमेंट को बोले। अभी देखिए तो क्या है, ये अंदर पानी क्यों आया हॉस्पिटल को, पूरे गंदा पानी क्यों आना पड़ा आया। बोले तो वो जो रोड कंस्ट्रक्शन करा कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कौन ऑफिसर्स है, कैसा ऊपर वो रोड ऊपर है हॉस्पिटल नीचे है। वो एकदम पानी पड़ने के गिरने के वजह से पूरे पानी और गंदा पानी ड्रेनेज पानी पूरे हॉस्पिटल का है। ये हॉस्पिटल पूरे फिर गंदा से गंदा हो गया और जो पेशेंट्स है वो डरते हुए रात में कैसा गुजरना हुई वो नहीं सो। वो लोगों का हालात कैसे बुरी था नहीं बोल सकते। हम गवर्नमेंट डिमांड करते हैं वो जल्दी से जो रोड कौन बनवाया उसके ऊपर इंक्वायरी करिए, वो आई एस ऑफिसर से इंक्वायरी करिए, वो एक्शन लीजिए। और ऐसे ही ये हॉस्पिटल को और जो खाली प्लेस है वो वेकेंट प्लेस है उसमें नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराइए। ये रिपेयर करके इसको ऐसा छीन के वैसा रखिए और एक कंटिन्यू करिए और ऐसे हेल्थी इमरजेंसी रखिए और जो पॉजिटिव आया उनको मदद करिए। जो गरीब लोग हैं अब इसमें जो आरोग्य श्री में ये शामिल करिए। ये क्यों बोले तो आंध्र प्रदेश में करे वो सरकार, इधर तो लाखों रुपया हो गए। डॉक्टर सुल्तानिया का अपन देखिए हॉस्पिटल में, तुम्बई हॉस्पिटल में क्या हुआ, एक 1,40,000 बिल डाले एक दिन के लिए, कौन भर सकता। गरीब लोग हैं बहुत से, ये पूरे ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। इसलिए डिमांड करते हैं आरोग्य श्री में शामिल करिए। और वैसे ही ये गरीब लोग हैं जो ऑटो ड्राइवर्स वगैरह ये रिपेयर्स करने वाले ये इलेक्ट्रिशियंस है वो है सब कुछ ऐसो रिपेयरर्स है और वैसे ही जो हमाली से सब कुछ ऐसो आप जैसो एक फैमिली को 7,500 दीजिए और रेशन दीजिए, उनको मदद करिए। नवंबर तक ये कंटिन्यू चलेगा, ये अभी कोलैप्स होने बंद होने का नहीं है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ये कोरोना जैसो अभी जाने का वैसे नहीं है।